लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी को उनका 12 तुगलक लेन वाला बंगला भी वापस किया जा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी अपने 12 तुगलक लेन वाले बंगले में शिफ्ट नहीं होंगे। अपने पुराने घर को लेकर राहुल गांधी का मन बदल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 12 तुगलक लेन के बंगले के अलावा भी विकल्प तलाश रहे हैं। हाल ही में अपनी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस महासचिव के साथ राहुल गांधी दिल्ली के लुटियन जोन स्थित 7 सफदरगंज लेन स्थित आवास को देखने गए थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी 7 सफदरगंज लेन स्थित नए आवास में शिफ्ट होंगे या 12 तुगलक लेन वाले पुराने बंगले में ही रहेंगे। क्यों बदल रहे हैं राहुल गांधी अपना पुराना बंगला? दरअसल 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी का घर और दफ्तर दोनों था, लेकिन राहुल के जाने के बाद टेम्परेरी निर्माण तोड़ दिया गया था। यही कारण है कि राहुल गांधी अब अपना नया बंगला तलाश रहे हैं। राहुल की मांग पर लोकसभा हाउसिंग कमेटी उनको विकल्प दे रही है। आपको बता दें कि एक विकल्प के तौर पर 7 सफदरजंग लेन में मौजूद बंगला भी उन्हें दिया गया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी से इस संबंध में 8 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। राहुल गांधी को अब जल्द से जल्द ये बताना होगा कि उन्हें नया घर चाहिए या नहीं। हालांकि अभी तक कांग्रेस सांसद की ओर से ये नहीं बताया गया है कि उन्हें 7 सफदरजंग लेन स्थित घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया है या फिर वो दोबारा 12 तुगलक लेन आवास में ही रहेंगे। क्या है 7 सफदरजंग लेन आवास की खासियत? आपको बता दें कि 7 सफदरजंग लेन हाउस महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ को संसद सदस्य के रूप में साल 1980 में आवंटित किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ 27 नवंबर 1989 तक सांसद रहे। इसके बाद 27 दिसंबर 1989 को उनके घर का आवंटन रद्द कर दिया गया था। इस बंगले में उसके बाद भी महाराजा रंजीत सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी रह रहे थे। 2001 में महाराजा के वारिसों के खिलाफ बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसे पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। दरअसल इसी साल गुजरात की CGM कोर्ट से मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया था। इसके बाद उन्हें 12 तुगलक लेन स्थित अपना बंगला खाली करना पड़ा था। लेकिन बीते 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगने के बाद उनकी सांसदी बहाल हो चुकी है और उन्हें एक बार फिर 12 तुगलक लेन वाला पुराना बंगला देने की पेशकश की गई है।